विवेक छीन ले वो आलू ने बतवाना वैसी लगो है बढ़िया छीन तो है कचु खा तो है कचु छील तो है गाइस हमारी अम्मा भी आ गई छत पे। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग और सब कैसे हो बढ़िया होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारी अम्मा आपसे कुछ बोलना चाहती हैं। आशीर्वाद राम राम सुगन्ने को। अम्मा की तरफ से सभी को राम राम, राम, राम। और सभी को आशीर्वाद। काफी कमेंट आए बहुत अच्छा लगा कि अम्मा का आशीर्वाद चाहिए तो अम्मा की तरफ से सबको आशीर्वाद। राम 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 आशीर्वाद। मौसम भी काफी ठंडा हो रहा है और अभी आलू मटर के पराठे बनाएगी और बथुआ का रायता। तो आलू मटर के पराठे और बथुआ का रायता काफी जबरदस्त रेसिपी बनने वाली आज की। अब मम्मी भी आ गई, अब मम्मी भी काम करवाएंगी। मम्मी बथुआ साफ करेंगी, अम्मा मटर छीलेंगी, तू अपने आलू फोर, हम अपने आलू फोरेंगे। अब विवेक लगा मटर खाए। अभी सोनी ने आलू फोड़ दिए गाइस, देखो पूरे घंटी से एकदम दबा दबा के सारे आलू को फोड़ दिया है एकदम। गुठली एक भी गुठली नहीं छोड़ेंगे इसमें है। नहीं कहते सभी गुठलियों को मोटे मोटे रह जाएंगे तो फिर आटे में तो नहीं करेंगे। हमारी अम्मा भी देखो कितनी मटर छील रही हैं। मम्मी भी मटर छील रही है, अम्मा भी मटरों को छील रही है। मम्मी अम्मा सब मदद कर। जब ज्यादा काम होता है तो सब लोग बैठ जाते हैं, बात करते रहते हैं और काम भी होता रहता है। जैसे अभी तीनों की बात चल रही है, इतनी सारी मटर छील दी। अभी लहसुन प्याज सोनी मसाला बना रही है। तो मैं मसाला बनाए लूं। लहसुन कटिंग कर दिया है और इसमें मिर्ची लिया और प्याज। अभी प्याज बारीक बारीक कटिंग करनी है, छोटी छोटी एकदम। मिर्चू भी ऐसे ही काटना है और प्याज भी ऐसे ही कटिंग करनी है जिससे पराठा फटे नहीं। अदरक कद्दूकस कर लेंगे बीच में से मिर्ची पार के और बढ़िया तरीके से कटिंग हो जाती है। सास बहू की दोनों की बात चल रही है। अभी मम्मी ने बथुआ भी साफ कर दिया। ये बथुआ देखो कितना ताजी बथुआ है गाइस, और काफी बथुआ खड़ा हुआ है इस समय खेतों में। सरसों के खेत में भी खड़ा हुआ है बाज, और वो गेहूं के खेतों में भी खड़ा हुआ है इस समय। टाइम है बथुआ की। हाँ अभी योगेश विवेक स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मटर ना मैं खाती नहीं। मम्मी के घोटून की दवाई को बतावे दोस्तों, कमेंट करना अगर किसी को पता हो। घोटू जो बाय बाय का बोलते हैं, बाय बाय का दर्द होता है, उससे बड़ी परेशान है हमारी मम्मी। घटिया बाय, चलने में बहुत दिक्कत होती है, सुबह ही सुबह ज्यादा दिक्कत होती है चलने में। मम्मी पूरा काम करवा के चली गई, मम्मी और अम्मा दोनों। और अभी सोनी काम कर रही है, अपना धनिया वगैरह काट रही है इस समय। तो ना मम्मी अम्मा नहाएंगी, ना धो लेंगी, वो फ्रेश हो जाएंगी। जब तक सोनी पराठे बनाएगी, और आज काफी स्वादिष्ट। और ये क्या कद्दूकस हो रहा है, कद्दूकस अदरक को कितनी बढ़िया तरीके से बारीक बारीक एकदम कद्दूकस कर दिया। ये मटर को भी हल्का हल्का दरदरा कर दिया है सोनी ने। अभी इसमें पराठा बनाने में दिक्कत नहीं होगी और बड़ी आसानी से मटर को थोड़े थोड़े खोल लो। मटर को ये हैं गाय के गोबर के भैंस के गोबर के उपले कंडे। अभी आंच भी जल गई और सोनी के हाथ भी सिक जाएंगे और कढ़ाई भी रख गई। अभी तेल डाल रहे हैं और ये सरसों का तेल है प्योर घर का, और जीरा भी डाल दिया मैंने। लहसुन भी डाल दूंगी, ये अदरक का पेस्ट, अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी। अच्छे से भून लेंगे इसको। हाँ। प्याज को भी डाल दूंगी, और ये डाल दी प्याज और क्या इसमें हरी मिर्ची हरी मिर्ची है।
थोड़ा थोड़ा जब बन जाएगी तब डाल लेंगे हरी मिर्च, बढ़िया तरीका से भून लेंगे। और हरी मिर्ची डाल, और ये अभी रह गया है धनिया। धनिया तो बाद में डालेंगे, मसाला बन के तैयार है जब डालेंगे। अभी मसाले को ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये डाल दी मटर, मटर दरदरी कर दी थी। ये सवाना अच्छे भूने लेंगे, बढ़िया तरह से भूनेंगे। जितनी अच्छी तरीके से मसाला भुन जाएगा ये, उतना ही पराठा एकदम टेस्टी लगेगा। सूखा मसाला डालेंगे, धनिया, ये धनिया डाल दिया एक चम्मच। हाँ, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच वो आधी चम्मच हल्दी, और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। हाँ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार डालो, मेरे हिसाब से नहीं। हाँ, अभी इसको ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं सही बोलता हूँ ना, गलत थोड़ी बोलता हूँ गाइस। ये बोलती थी कि नमक एक चम्मच डालो, तो एक चम्मच क्यों डालेंगे। अब मैं आलू में मिला देंगे, अभी ये भरता रख। हाँ, आलू रखे हैं फूटे हुए। हाँ, उसमें डाल के मिला देंगे धनिया। तलने को तो कढ़ाई में तल लेते हैं, पहले भी कभी यार कमेंट आए थे, और ये सोनी ने भी कई बार तो इनको पूरा भरता लेके और कढ़ाई में तला है, लेकिन वो इतने स्वाद के नहीं लगते हैं, इसलिए आलू को नहीं तलेंगे, सिर्फ मसाला तलेंगे और आलू में मिला देंगे। अब बथुआ अच्छा साफ करके जब वो वाल पे रख देंगे, अच्छी तरह साफ कर लेंगे। हाँ, देखो अच्छा साफ है वो, मजा बथुआ। पानी तो थोड़ा डालो, बिल्कुल थोड़ा, एक गिलास। जब भी मैं घर में यहाँ पानी तो डालो ही ना, देखो पानी तो दिख रहा होगा, नेक नेक दिख रहा होगा, ढक देंगे वो बथुआ पानी छोड़ेगा। हाँ, अभी भरता को अच्छी तरह मिलाएंगे, इसको आलू को मसाले को सबको मिला देंगे। मसाला ऐसे मिलाओ कि आलू की नस नस में घुस जाए, जब आएगा स्वाद। अभी देखो कितना मस्त भरता लग रहा है देखने में भी, तो खाने में कितना स्वाद का लगेगा। अभी भरता पूरा तैयार हो गया, उबल गए पहले तो मैं, तभी तो लगाऊंगी। नमक डाल दो, अच्छे से लगाऊंगी। ढीला मारन पत्तो आज पराठे के लिए गैस, आटा थोड़ा ढीला रहेगा, ढीला रहेगा जब ये अच्छे पराठे आएंगे, क्योंकि कर रहे हो तो निकल जाते हैं, इधर उधर निकल जाएंगे, फिर पराठा फूलेगा भी नहीं। अगर आटा थोड़ा सा भी टाइट हो गया तो पराठा नहीं फूलेगा, फूलेगा नहीं और फट जाएगा। अभी देखना सोनी जब पराठे बनाएगी तो एकदम बॉल जैसे फुला देगी, एकदम हर पराठा इसका फूलेगा। आटे में जितनी मेहनत करोगे आटा उतना बेहतरीन लगेगा, देखो कितना ढीला। अभी आटा फाइनल लग गया, तो बथुआ मस्त हो गया था, किसी कटिंग हो रही है बथुआ की, कचक कचक कचक, एकदम ऐसा हो मक्खन जैसा। ठंडो पानी डाल दो, ये ठंडो पानी डाल के निचोड़ दो। अभी ये मेरे लिए नहाने के लिए पानी रख गया, तो हम बथुआ पीस लेंगे, मिर्च लेंगे हरी और बथुआ। कोई कोई मिर्च नहीं उगा लेते, पर मैं उगाल के अच्छा ना लगा, सिल पे पैसा वैसे भी बढ़िया लगेगा। ऐसे तो उबाल के पूरा मसाला ही कढ़ाई में भूंज के, आलू सहित भूंज के बनाते हैं भरता, वो भूंज लो, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है, इसीलिए नहीं भूंज नहीं देता। हींग डाली है मैंने थोड़ी, इतनी हींग काफी है। अभी बढ़िया तरह से ये बथुआ भी पिस जाएगा, बथुआ को भी एकदम बारीक कर दिया, तैयार है वो पिस के। अभी ये बथुआ का बन जाएगा एकदम रायता, बहुत बेहतरीन रायता बनेगा, बथुआ का रायता और आलू मटर के टप पराठे। छाछ भी ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए रायते के लिए, उतना ही नॉर्मल रहना चाहिए।
जब ही स्वाद का बनता है रायता बथुआ का। तो हमने छाछ में बथुआ को अच्छी तरह से मिला दिया है। अभी इसमें क्या क्या डालोगे सोनी? इसमें काला नमक डालूंगी। नमक ये सादा नमक है आधी चम्मच, और ये काला नमक, काला नमक आधी चम्मच, और ये लाल मिर्ची थोड़ी सी, आधी चम्मच नहीं है थोड़ी सी, चौथाई है, एक चम्मच का चौथाई। अभी इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। हाँ मुंह में पानी आ रहा है देख के। बथुआ का रायता। बर्तन साफ कर ले। बर्तन सुबह के इतने बर्तन है गए आज, ऐसी चीज बनाऊं तो है जाते हैं बासन न। अभी ये सोनी लकड़ी लेकर आ रही है खाना बनाने के लिए, तो लकड़ी लेकर आ गई। कोई परेशानी तो नहीं रास्ते में? अभी जीरा भूनेंगे रायते के लिए। अभी पानी भी मेरा गर्म हो गया और रायता भी अभी जीरा डालते ही तैयार हो जाएगा। मैं नहाऊंगा और पराठे बनते ही गरम गरम पराठे खाऊंगा। देखो बनेगा जीरो, जीरा अच्छी तरह पीस के और डाल देंगे रायते में, बारीक पीस देंगे इसको। हाँ हाँ खुशबू देखो डाल लो जीरा में, तो खुशबू कितनी भयंकर मारती है जीरे में। पराठा बनाने का स्टाइल देखो, पराठा फटेगा नहीं इसकी गारंटी है, और एकदम मस्त पराठा बनेगा। मैं बेल के ना बनाती, मैं ऐसे ही लोई सी बनाएगा बात देती हूँ बता। और हर पराठा फूलेगा। हाँ ये देखो इस तरीके से भर देंगे और ये मोमोज की तरह बन गया। इसका मुंह कर देंगे बंद। अच्छा तो मैं ब्रेड भूल जाती हूँ। पूरी बज गई है। अभी देखो ये पराठा बिल गया एक ही बार में, गोल मटोल, कहीं से नहीं फटेगा और आराम से बिल जाएगा। हाँ ये तो तरीका बढ़िया सीखा है। अभी ये पराठे को देखो गाइस कितना एकदम हर पराठा फूलता है सोनी का। अभी इस पे तेल लगा दिया, दोनों साइड में लग गया तेल गाइस। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अभी से आप स्वादी स्वाद में लाइक करना भूल जाते हो। हाँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हम मज़ेदार नई नई रेसिपी लाते रहते हैं। हमारा भी मन लगता है कि हाँ। चलो वीडियो और डालें। आप लाइक करते हो तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देगा। धीरे धीरे फूला बन गया गुब्बारा, बन गया फुटबॉल। ये देखो एकदम क्रंची मस्त पराठा बन गया। ये देखिए कितने गजब गजब के पराठे। और आप भी आ जाइए खाने के लिए, आप भी भोजन कर लीजिए, पराठों का आनंद लेंगे बथुआ के रायते के साथ। आलू मटर के पराठे और बथुआ का रायता, वो आज का भी गजब की दावत बन गई है। और आप भी भोजन कर लीजिए, ये आपके लिए रखा है पहले, उसके बाद में हम करेंगे। खाते जाओ खाते जाओ।